तमाम अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में अब ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जमीनी स्तर पर आखिर किस तरह से काम हो रहा है, क्या कुछ परेशानी दिक्कत आम लोगों को हो रही है, उसके बारे में जायजा ले रहे हैं। क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि अब जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड्स फुल हो चुके हैं, जगह नहीं है। कई जगहों की खबरें हम आपको दिखाते भी रहते हैं। इन सब के बीच टीम 11 के साथ सीएम योगी हमेशा की तरह बैठक कर रहे हैं, उनसे पल पल की अपडेट ले रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। ये वही टीम 11 है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को पल पल की अपडेट देती है कि जमीनी स्तर पर जो अस्पताल हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, या फिर कोरोना को लेकर अब हमें किस तरह आगे बढ़ना है, क्या कदम उठाने हैं, क्या कमी महसूस की जा रही है, उस पर काम करना है। तो रणनीति इन्हीं टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम बैठ के बनाते हैं। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह महत्वपूर्ण बैठक करते हुए, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर ये बैठक हमेशा की तरह काफी महत्वपूर्ण रहती है। इसमें सीएम तमाम अधिकारियों से कोरोना को लेकर तमाम जिलों में, तमाम गांव में किस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसकी जानकारी लेते हैं। क्योंकि अब ये देखने को मिल रहा है हर शहर में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, और मौजूदा वक्त में जैसा कि आप भी जानते हैं किसी तरह की कोई वैक्सीन नहीं है, और संक्रमण की रफ्तार दूसरी तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह पहुंच गई है देश की कि हमने एक दिन में 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले, दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। अब इस स्थिति से किस तरह से निपटा जाएगा, यह फिलहाल बड़ा सवाल है, क्योंकि यह एक वैश्विक महामारी है। तमाम बड़े देशों ने भी इससे जूझ रहे हैं, और भारत में भी स्थिति